समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। गोरखपुर में 10 लाख से अधिक सदस्य बनाने का संगठन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, संगठन को मजबूत करना लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है, किसानों को उसके उत्पादों की कीमत नहीं मिल रही है। सदस्यता अभियान चलाकर संगठन को मजबूत करने के बाद पार्टी सरकार के खिलाफ इन मुद्दों पर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, लेकिन जनता अब उसकी सच्चाई जान चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता अपना फैसला देकर भाजपा के अहंकार को समाप्त करेगी। समाजवादी पार्टी और उसके नेता कार्यकर्ता किसी भी सरकार और ईडी से नहीं डरते हैं। हमारा कैडर जनता की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर जल्द ही पार्टी जन आंदोलन छेड़ेगी। प्रेस वार्ता के दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, चंद्रबली यादव, नगीना प्रसाद साहनी, जफर अमीन डक्कू, राम भुआल निषाद, विजय बहादुर यादव आदि उपस्थित रहे।